तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, लियो के डे 6 की ऑफिशियल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसने बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है। जबकि वर्किंग डेज भी है और फ्लेक्सिबल दशहरा का हॉलीडे भी चल रहा है, उसके बाद भी मूवी ने जो कमाई करी है, जो तहलका मचाया भाई, ऑसम। देखो हेटर जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मूवी की ग्रोथ डाउन हो जाए, हम मतलब किस भी तरीके से लियो स्कैम का जो पोस्टर टैग चलाए जा रहे हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं ट्विटर में, लियो डिसास्टर, लियो फेक कलेक्शन, मतलब जितनी जो हद तक उनसे हो रहा है वो इस मूवी को ट्रॉल कर रहे हैं उस हद तक। तो मैं आपको बताऊंगा कल इस मूवी ने कितनी क्या कलेक्शन करी है, तमिल से कितना कमाया, तेलुगू से कितना कमाया, नेट इंडियन कलेक्शन कितना रहा, ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा, अदर लैंग्वेज से कितना रहा, और स्टेट वाइज इस मूवी ने मतलब कल एंड ऑफ द डे तक कितनी कमाई कर ली है, और पूरी दुनिया से ये मूवी और कितना कमाएगी और कल तक कितना कमा चुकी है। देखो एक चीज़ ना यहाँ यार सिमिलैरिटी वो मैच नहीं हो रही है, बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट अलग बता रही है और मेकर्स की तरफ से, शायद मेकर्स की तरफ से या फिर फैन मेड पोस्टर निकल रहे हैं उनके कलेक्शन में, उनकी पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सिमिलैरिटी मैच नहीं हो रही है। तो वो आगे जाके बात करेंगे क्यों नहीं हो रही, कहाँ नहीं हो रही है, तो डिटेल टू डिटेल सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर जरूर रहना है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तमिल से तेलुगू से, पहले तमिल से बताएंगे, तमिल से मूवी ने कल कमाया है 26 करोड़ 50 लाख, तेलुगू से 3 करोड़ 45 लाख, और कन्नड़ा से 20 लाख की कमाई करते नजर आई है ये मूवी, हिंदी से 2 करोड़ 55 लाख, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन इन सारी लैंग्वेज को मिलाकर बनता है कल का 32 करोड़ 70 लाख के आसपास। ग्रॉस कलेक्शन कल रहा है 38 करोड़, ओवरसीज से आया है 5 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 43 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रखते नजर आई है। जबकि कल ट्यूसडे सम ऑफ प्लेस वर्किंग डेज भी है, सम ऑफ प्लेस दशहरा का हॉलीडेज भी चल रहा है, इस वजह से मूवी में कहीं ना कहीं तो डिप देखने को मिली, लेकिन कुछ जगह हाउसफुल शोज चल रहे हैं, देखा जाए तो इतना कॉम्पिटिशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मूवी सॉलिड कमाई कर रही है, ज़बरदस्त कमाई कर रही है। 43 करोड़ की कलेक्शन ला पाना इतनी मामूली बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात नहीं है। तो पहले 6 दिन में अगर मैं कर्नाटका से बताऊं, स्टेट वाइज अगर देखें तो कर्नाटका से मैं बताऊं, पहले 6 दिन में 36 करोड़ 50 लाख कमा चुकी है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से मूवी 37 करोड़ 15 लाख कमा चुकी है, और तमिलनाडु से ह्यूज कलेक्शन आ रहा है, तमिलनाडु से मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन तमिलनाडु से ही है, तमिलनाडु से आया है 155 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अभी तक कल एंड ऑफ द डे तक। केरला से भी इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ह्यूज रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लगभग 45 करोड़ तक का कलेक्शन केरला से देखने को मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया से 20 करोड़ आया, और तमिल से इस मूवी ने सिर्फ तमिल से 203 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, तेलुगु से 31 करोड़ का कलेक्शन कर लिया कल एंड ऑफ द डे तक, कन्नड़ा लैंग्वेज से 95 लाख का, और हिंदी से 13 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कर चुकी थी। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 250 करोड़ कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका था, ग्रॉस कलेक्शन 293 करोड़, ओवरसीज से 165 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 6 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक 458 करोड़ समथिंग कुछ पॉइंट करके कमा चुकी है, फिलहाल 458 करोड़ ही मान के चलो। बट मेकर्स की तरफ से पोस्टर रिलीज करा गया है 506 करोड़ 40 लाख, आई डोंट नो ये मेकर्स हैं या फैन मेड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लियो को लेकर पागलपन चल रहा है, थालापति विजय की सॉलिड फैन फॉलोइंग है, दैट्स वाई की फैन मेड फेक कलेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 458 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कर चुकी थी, लेकिन पोस्टर ये रिवील हुआ है कि 506 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, आपको जो मानना है वो मान लीजिए, बाकी देखा जाए तो ये फैन मेड ही है, ऑफिशियली मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं से आया है किसी फैन ने या फिर ऑफिशियली फैन मेड, बहुत से ट्विटर अकाउंट होते हैं और यस वो अपने स्टार को, अपने सुपरस्टार को सपोर्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं, और इस तरह की हरकतें सिर्फ पहली बार नहीं हो रही हैं, बहुत बार ये चीज़ हो चुकी है। तो फिलहाल बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट ही मानते हैं कि 458 करोड़ ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कर चुकी है। तो आपकी क्या राय है कि ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है? मेरे हिसाब से 650 या 700 करोड़ आराम से टच कर जाएगी। आपकी क्या राय है कि ये मूवी 700 करोड़ भी कवर अप कर जाएगी या उससे ऊपर निकल जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी ये 506 करोड़ की कलेक्शन ये ऑफिशियल है या फिर फैन मेड है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।